हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो एक ऐसे कन्वर्टर नट पे है जिसकी ऑनलाइन पर कॉस्ट है 350 से 450 रुपए के बीच में। तो ये है वो नट जो काम में आता है एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। डिटेल में सारी बात करेंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। और हाँ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको खरीदना पैसा वसूल है या फिर पैसे की बर्बादी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसको आप एडाप्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग हैं, काम इनका एक ही है, बस थोड़ी सी इनकी बनावट अलग है। ये आपको नीचे से बोल्ट जैसे और ऊपर से कुछ नट की तरह दिखाई देते हैं। इन कन्वर्टर नट के लिए आपको चाहिए एक 4 इंच का एंगल ग्राइंडर और एक 13 mm का चक। तो एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला नट है इसको हम निकाल लेंगे और ये जो फ्लेंज नट है इसको हम इसी के अंदर रहने देंगे। इसके बाद ये जो हमारा कन्वर्टर नट है इसको हम फिट कर देंगे और इसके बाद हम इस पे लगा देंगे 13 mm का चक। फिट करने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे टाइट। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कन्वर्टर नट की मदद से हम 13 mm का चक 4 इंच के एंगल ग्राइंडर में कैसे लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये 10 mm का चक है वो एंगल ग्राइंडर में लग जाता है, मगर ये जो आपके ब्रांडेड एंगल ग्राइंडर है उसमें नहीं लगेगा। जैसे डिवॉल्ट हो गया, बॉस हो गया, बाकी दूसरा एंगल ग्राइंडर उसमें ये लग सकता है बड़ी इजीली। और सपोज अगर यदि आपका ये 10 mm का चक नहीं लग रहा है तो आप ये ऐसी जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं। मैंने चक में ऊपर ये नट लगा लिया है। पहले हार्डवेयर की शॉप पे मैं गया था इस नट को ढूंढने, मेरे को इस साइज़ का नट मिल गया। अब फिर आप उसकी मदद से भी इसको लगा सकते हैं। इसमें आर्गन वेल्डिंग होती है जिसकी मदद से आप चक को एंगल ग्राइंडर में लगा सकते हैं। मगर आज हम जुगाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे कन्वर्टर नट की। तो अब हम कर लेते हैं हमारे इस कन्वर्टर नट का डेमोस्ट्रेशन, फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये एक बहुत इजी प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से हम हमारे एंगल ग्राइंडर को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें इस कन्वर्टर नट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको यहां पर यह सजेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, यह पैसे की बर्बादी है। क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, हमारा जो एंगल ग्राइंडर है ये उल्टा घूमता है। ये ड्रिल इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका आरपीएम ज्यादा है। इसका आरपीएम 11,000 है इसलिए ड्रिल होता है। यदि इसका आरपीएम 2800 या 2600 होता ड्रिल मशीन जितना, तो फिर ये ड्रिल नहीं कर पाता। दूसरा कारण, यदि स्पीड में घूमते घूमते इसका चक निकल गया तो फिर गॉड नोज कि ये कहां जाकर लेगा। इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ये 100% रिस्की है। और तीसरा कारण गाइस, ये जो कन्वर्टर नट है ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इसकी कॉस्ट है 450 से 450 रुपये। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 400 रुपये में आप 1,000 रुपये और मिला लीजिए और एक अच्छी 13 mm की ड्रिल मशीन ले लीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यदि आप कुछ DIY काम करते हो या फिर मशीन टूल्स पे वीडियो बनाते हो या फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, तब फिर आप इस कन्वर्टर नट को ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है।
तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड यस कीप ग्राइंडिंग, बट डू नॉट कन्वर्ट एंगल ग्राइंडर इनटू ड्रिल मशीन।